छत्तीसगढ़ के सभी स्टूडेंट को बताना चाहता हूँ, एसआई सब इंस्पेक्टर के 278 पदों पर भर्ती अपन 2024। जी आप सभी के लिए काफ़ी बड़ी खुशखबरी, आप सभी के लिए काफ़ी बड़ी अपडेट निकल के आ रहा है। जो भी स्टूडेंट है जो गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी करना चाहते हैं, आप सभी के लिए जो है एसआई सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2024 आप सभी के लिए निकल के आ चुके हैं। और आप सभी स्टूडेंट्स के लिए जो है एसआई का जो पोस्ट है, सब इंस्पेक्टर का जो भर्ती है, सब इंस्पेक्टर का जो जॉब है, वापस से हर एक स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण जॉब है, आप सभी स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण पोस्ट है। तो आप सभी के लिए जो है एसआई सब इंस्पेक्टर के 278 पदों के लिए भर्ती विज्ञापन आप सभी के लिए जो है जारी किए जा चुके हैं। तो अगर हम बात करें एसआई सब इंस्पेक्टर के 278 पोस्ट में आवेदन करना चाहते हैं, तो आवेदन करने के लिए आपके पास क्वालिफिकेशंस क्या होने चाहिए। तो सबसे पहले क्वालिफिकेशन जो होनी चाहिए वो होनी चाहिए आपका 12th पास आउट। जी हाँ, सबसे पहले तो आपका 12वीं पास होना चाहिए, और 12वीं आपका माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर बोर्ड से होना चाहिए। और एसआई सब इंस्पेक्टर का जो पोस्ट है, एसआई सब इंस्पेक्टर का जो जॉब है, ये आप सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। और सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा एग्जाम्स को अगर आप क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपका सिलेक्शन यदि हो जाता है तो एसआई सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा में आपको काफ़ी ज़्यादा सैलरी जो है देखने को मिल पाएगा, बहुत ही अच्छा सैलरी मिलेगा, आपका लाइफ जो है सिक्योर हो जाएगा, आप जो है फाइनेंशियल फ्री हो जाएंगे। और सब इंस्पेक्टर के लिए जो भी स्टूडेंट जो तैयारी करना चाहते हैं सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा एग्जाम्स को क्वालिफाई करने के लिए, जो भी स्टूडेंट हैं जो मेहनत करना चाहते हैं, जो भी स्टूडेंट हैं जो तैयारी करना चाहते हैं, जो भी स्टूडेंट हैं जो कॉम्पिटिशन एग्जाम्स को क्वालिफाई करने के लिए हार्ड वर्क करना चाहते हैं, मैं आप लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि आप जो है मेहनत करो और रिजल्ट के बारे में सोचो मत कि क्या होगा कैसा होगा। 12वीं पास है और हाइट इसमें देखा जाता है, हाइट आपका चेस्ट, शारीरिक नाप जोक होता है, शारीरिक दक्षता परीक्षा। सबसे पहले तो शारीरिक दक्षता परीक्षा होगा आपका, लंबी कूद, ऊंची कूद, जो है रनिंग होता है 100 मीटर, 800 मीटर, 1500 मीटर दौड़, ये आप सभी के लिए जो फिजिकल रिक्वायरमेंट्स होता है ये आप सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, आपके एग्जाम्स को क्वालिफाई करने के लिए जो है काफ़ी ज़्यादा जरूरी होगा, आपके एग्जाम्स को क्वालिफाई करने के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो पाएगा। और एसआई सब इंस्पेक्टर के आप सभी के लिए जो है 278 पदों पर भर्तियाँ आप सभी के लिए पोस्ट निकल के आए हैं। जी हाँ, आप सभी के लिए एसआई सब इंस्पेक्टर के 278 पदों पर भर्तियाँ आप सभी के लिए एसआई सब इंस्पेक्टर के 278 पदों पर जो वैकेंसीज आप सभी के लिए निकल के आ रहा है। और ये सभी भर्तियाँ, ये सभी पोस्ट है, ये सभी गवर्नमेंट जॉब आप जैसे हर एक स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो मैं आप लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि सब इंस्पेक्टर का जो जॉब है, सब इंस्पेक्टर का जो पोस्ट है, सब इंस्पेक्टर का जो भर्ती है, ये आप में से हर एक स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, आप में से हर एक स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। अगर आप अच्छे से एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, अगर आप अच्छे से एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन करते हैं, अच्छे से अगर आप एग्जाम्स के लिए मेहनत करते हैं, तो डेफिनेटली है कि आपका सिलेक्शन हो पाएगा। डेफिनेटली है कि आप जो है कॉम्पिटिशन एग्जाम्स को जो है अवश्य रूप से जो है क्वालिफाई कर सकते हैं। देखो, सब कुछ हमारे ऊपर ही डिपेंड करता है, सब कुछ हमारे मेहनत के ऊपर ही डिपेंड करता है। अगर हम अच्छे से मेहनत करेंगे, अगर हम अच्छे से तैयारी करेंगे, अगर हम कॉम्पिटिशन एग्जाम्स के लिए अच्छे से अगर हार्ड वर्क करते हैं एग्जाम्स के लिए, जी हाँ, अगर हम एग्जाम्स को क्वालिफाई करने के लिए अगर अच्छे से हार्ड वर्क करेंगे, प्रिपरेशन करेंगे, मेहनत करेंगे, तो हमें एसआई भर्ती परीक्षा एग्जाम्स को भी क्वालिफाई कर पाएंगे। तो सबसे पहले तो आपका फिजिकल होगा, जी हाँ, फिजिकल एग्जाम्स को क्वालिफाई करना एग्जाम इम्पोर्टेंट होगा। देन आपका रिटर्न एग्जाम्स होगा, और आपके जो है शुरू में एसआई भर्ती परीक्षा में आपके प्री एग्जाम्स होते हैं, जी हाँ, शुरू में प्री एग्जाम्स होता है, देन मेन्स एग्जाम्स होता है, देन इंटरव्यू होता है, देन मेडिकल टेस्ट होता है। तो कुल 5 चरण होते हैं आपके एसआई बनने के प्रोसीजर में, एसआई सब इंस्पेक्टर बनने के प्रोसेस में। तो आपको ज़्यादा मेहनत करना जो है ज़रूरी है, आपको बाकी स्टूडेंट से
कुछ ज्यादा ही हार्ड वर्क करना सबसे मेन इम्पोर्टेंट होता है, तो बाकी स्टूडेंट से कुछ ज्यादा ही हार्ड वर्क करते हो, बाकी स्टूडेंट से कुछ ज्यादा ही मेहनत करते हो, तो ही आपका सिलेक्शन हो पाएगा, तो ही आप जो है कॉम्पिटिशन एग्जाम्स को, तो ही आप जो है भर्ती परीक्षा एग्जाम्स को जो है क्वालिफाई कर पाओगे और आप जो है आगे बढ़ पाओगे। इसलिए मेहनत करना सबसे मेन इम्पोर्टेंट है, जितना ज्यादा हो सके अच्छे से कोशिश करना, जितना ज्यादा हो सके अच्छे से हार्ड वर्क करना है आपको, अच्छे से मेहनत करना है। तो जितना ज्यादा आप मेहनत करोगे, जितना ज्यादा आप कोशिशें करोगे, उतना ही ज्यादा आप सभी के लिए अच्छा हो पाएगा, उतना ही ज्यादा आप सभी के लिए बेहतर दिन, उतना ही ज्यादा आप सभी के लिए बेस्ट जो है होने वाले हैं। जी हाँ, इसलिए जितना ज्यादा हो सके आपको कोशिशें करना है, जितना ज्यादा हो सके आपको मेहनत जो है करते रहना है, और मेहनत करना आपको किसी भी तरह से नहीं छोड़ना है। अगर आप अच्छे से मेहनत करते हैं, अच्छे से कोशिश करते हैं, अच्छे से हार्डवर्क करते हैं, तो यही कोशिश है आपको आगे कामयाबियां दिलाएगी, यही कोशिश है आपको आगे सफलता दिलाएगा। और देखिए कामयाबी हमें कब मिल जाएगा, सफलता हमें कब मिल जाएगा, कब हमारे सपने पूरे हो पाएंगे, कब हमारे ड्रीम्स पूरे हो पाएंगे, ये बिल्कुल कोई भी नहीं जानता। हमारा काम होता है मेहनत करने का, हमारा काम होता है कोशिश करने का, हमारा काम होता है हार्ड वर्क करने का। जी हाँ, तो जो भी आपका काम है हार्ड वर्क करने का, जो भी आपका काम है मेहनत करने का, वो काम हमेशा आपको जो है करते रहना होगा। जितना ज्यादा आप मेहनत करोगे, जितना ज्यादा आप काम करोगे, उतना ही ज्यादा आप सभी के लिए अच्छा हो पाएगा दिन, उतना ही ज्यादा बेहतर और उतना ही ज्यादा कामयाबी आपको फिर मिल पाएगा, और उतना ही ज्यादा आप कॉम्पिटिशन एग्जाम्स को फिर क्वालिफाई जो है कर पाओगे। और मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि आने वाला जो टाइम होगा, या आने वाला जो समय होगा, या आने वाला जो साल होगा, वो आप सभी के लिए काफी ज्यादा बेहतर दिन बेस्ट होने वाला है, और आप सभी के लिए सब इंस्पेक्टर के 278 पदों पर जो है सबसे बड़ी भर्ती है, 278 पदों पर आप सभी के लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, आप सभी के लिए सबसे ज्यादा जरूरी, आप सभी के लिए काफी महत्वपूर्ण आप लोगों को जो है देखने को मिल पाते हैं। तो इंतजार आपको करना पड़ता है, टाइम देना पड़ता है, समय देना पड़ता है। जितना ज्यादा आप टाइम दोगे, जितना ज्यादा आप समय दोगे, उतना ही ज्यादा आप सभी के लिए अच्छा होगा दिन, उतना ही ज्यादा आप सभी के लिए बेहतर दिन बेस्ट होने वाला है। तो हमेशा आपको कोशिशें जो है करते रहना होगा। जी हाँ, तो आई होप वीडियो आपको पसंद आया हो, वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, चैनल पर नया तो चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है, साथ में बेल नोटिफिकेशन को आपको ऑन करके रख लेना है, एंड वीडियोस को जितना ज्यादा हो सके शेयर करना। और ऐसा ही सब इंस्पेक्टर के 278 पदों पर आप सभी के लिए भर्ती होने वाली है। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, अपना ओपिनियन जरूर बताइए वीडियो आपको कैसा लगा। देन थैंक यू सो मच, धन्यवाद, मिलते हैं नए वीडियो में।